मेरा नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है हमारे क्लाइंट के बीच में, जिसको रिक्वायर्ड है कोई ना कोई अभी सर्विस को फुलफिल करवाना, और एक होता है हमारा सर्वर। सर्वर का काम क्या होता है, जिस सर्विस की रिक्वायरमेंट क्लाइंट से आई है वो सर्वर को फुलफिल करके देनी होती है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से डिफरेंट मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन मेथड्स को या फिर मैकेनिज्म को। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है सॉकेट्स। तो सॉकेट्स के केस में क्या है, सॉकेट की हेल्प से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है टू डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में, और जो ये दो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ये सेम मशीन पे भी लाई कर सकते हैं और डिफरेंट मशीन पे भी लाई कर सकते हैं। सॉकेट यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन जिसपे वो रिसाइडिंग है, और जो सॉकेट्स होते हैं वो खाली ट्रांसफर करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड बाइट स्ट्रीम को। तो देखते हैं कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे हमारा सर्वर प्रोसेस है, और यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे क्लाइंट प्रोसेस रिसाइडिंग है। तो ये डिफरेंट टू सॉकेट्स हैं इनके अपने अपने, जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ देयर पोर्ट नंबर और देयर आईपी एड्रेसेस। सो जब भी क्लाइंट को नीड होगी किसी भी रिक्वायरमेंट की, कोई भी सर्विस उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर के पास। अब जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उससे पहले क्लाइंट को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है उस कोरस्पोंडिंग सर्वर पे, सर्वर प्रोसेस पे जो उसको रिक्वायर्ड है। तो जब यहाँ पे क्लाइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा तो उसको एक पोर्ट नंबर उस टाइम पे यहाँ पे असाइन हो जाएगा बाय इट्स होस्ट कंप्यूटर। जिसका होस्ट कंप्यूटर होगा उसके थ्रू इसको यहाँ पे एक पोर्ट नंबर असाइन हो जाएगा। इस पोर्ट नंबर के साथ ही अपने आईपी एड्रेस को यूज करके, इस मशीन का जो आईपी एड्रेस होगा उसको यूज करके क्या है, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा। पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये सेकंड टाइम पे क्या करेगा, कनेक्शन के बाद रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो पहले क्लाइंट का काम क्या है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना, और कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए उसको दो चीजें रिक्वायर्ड है, पहला तो आईपी एड्रेस जिस मशीन पे वो है उसका आईपी एड्रेस, और दूसरा पोर्ट नंबर जो उसको असाइन हुआ है उसके होस्ट कंप्यूटर से। वो दोनों चीजों को कंबाइन करके वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा लेगा। अगर सर्वर को सही लगेगा तो उसके बाद ही वो अलाउ करेगा क्लाइंट प्रोसेस को कि वो अपनी फर्दर रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। अगर ये अलाउड हो गया, परमिशन इसको मिल गई, तो क्या होगा, यहाँ पे ये अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड होगी, और रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद प्रोसेस जो सर्वर प्रोसेस है वो उस रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करेगा। तो ये था ओवरऑल हमारा सॉकेट से रिलेटेड। तो सॉकेट में हमने देखा कि सॉकेट के केस में हमें पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस के थ्रू पहले क्लाइंट साइड से कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना पड़ता है सर्वर साइड पे, सर्वर साइड पे कनेक्शन एस्टेब्लिश के बाद रिक्वेस्ट सेंड होती है, रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद सर्वर क्या करेगा, रिस्पोंड करेगा। अब जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है हमारा आरपीसी, रिमोट प्रोसीजरल कॉल। आरपीसी के केस में भी सेम वही है कि एक साइड क्लाइंट होगा जो कि रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे सर्वर को और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके देता है। क्लाइंट साइड पे जो आरपीसी होगा वो क्या करेगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करेगा और सेंड करेगा जो आरपीसी है सर्वर साइड पे। उसको ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे हमारे सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, सर्वर उसको चेक ऑन करेगा, चेक ऑन करने के बाद रिक्वायर्ड सर्विस को प्रोवाइड करवा देगा थ्रू द आरपीसी ऑफ द क्लाइंट। तो ये प्रोसीजर रहता है हमारे आरपीसी का। इसमें क्या है, जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीजर भी हो सकती है या फिर कोई फंक्शन भी हो सकता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट और लास्ट मेथड वो है पाइप्स। पहले जो हमारे अर्लियर सिस्टम होते थे उनमें जो इंटर कम्युनिकेशन होता था वो होता था पाइप्स के थ्रू। ये जो है पहला इंटर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म था हमारा पाइप, जो अर्लियर यूनिक्स में यूज होता था। पाइप के केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक साइड में पेरेंट प्रोसेस होता है और एक साइड में क्लाइंट प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो एक साइड में क्लाइंट और एक साइड में सर्वर प्रोसेस। अब इसमें मैकेनिज्म में होता क्या है, एक साइड पे डेटा को एंटर किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरी साइड पे उसी डेटा को कंज्यूम किया जाता है या फिर रीड किया जाता है। इस साइड से पेरेंट क्या करेगा, डेटा को एंटर करवाएगा, और उस साइड से चाइल्ड क्या है, उस डेटा को रीड कर लेगा या फिर कंज्यूम कर लेगा। इस मैकेनिज्म में जो यूज होती थी वो दो टाइप की पाइप्स यूज होती थी। पहली है हमारी ऑर्डिनरी पाइप। ऑर्डिनरी पाइप क्या करती थी, हमें अलाउ करती थी खाली यूनि डायरेक्शन कम्युनिकेशन, और आप बोल सकते हो कि खाली एक साइड से ही कम्युनिकेशन होगा। अगर डबल वे कम्युनिकेशन करवाना है तो वहां पे दो पाइप्स का यूज होता था। और जो दूसरा है हमारा वो है नेम्ड पाइप।
सेकंड जो है नेम्ड पाइप है, नेम्ड पाइप के केस में ऐसा नहीं होता कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो वन साइडेड है, यहाँ पे डबल साइडेड होती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, साइमल्टेनियसली क्लाइंट और सर्वर क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये होता है हमारा नेम्ड पाइप्स के केस में। और जो ये पाइप्स होती है नेम्ड पाइप्स, ये इवन तभी भी एग्जिस्ट करती है जब हमारे प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो गए होते हैं, उस टाइम में भी ये क्या है एग्जिस्ट करती है ये पाइप्स। तो ये था ओवरऑल हमारा डिस्कशन अबाउट द क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आपको इजीली समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।